चैप्टर नंबर टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी रूल बुक होती है जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री गवर्न होती है, ठीक है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के हमारी कंट्री में लॉलेसनेस आ जाएगी, यानी कि अगर कोई लॉ नहीं रहेगा, कुछ रूल्स नहीं रहेंगे, तो लोगों को जस्टिस कैसे मिलेगा? क्राइम रेट्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे कंट्री में। अगर किसी को किसी का डर नहीं होगा, अभी जैसे अगर आप चोरी करते हो तो आपको डर रहेगा कि भाई पुलिस है, लॉ है, तो आपको सजा होगी। लेकिन अगर वो लॉ, वो पुलिस, वो रहेगा ही नहीं, तो क्या आप कभी डरोगे? नहीं। तो आप खुलेआम क्राइम करोगे एंड क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। एंड व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमारी बुक का एक इंट्रोडक्शन पेज रहता है जिसके अकॉर्डिंग हमारी बुक में अंदर क्या मटेरियल्स है वो आपको बताए जाते हैं इंडेक्स में, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का भी इंट्रोडक्शन पेज रहता है। हर एक कंट्री का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और हर एक कंट्री अपने उस अलग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही गवर्न की जाती है। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन वही साउथ अफ्रीका के में ही लागू होगा, इंडिया में लागू नहीं होगा। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंडिया में लागू होगा और किसी देश में लागू नहीं होगा। हर एक कंट्री का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका के केस पे। सो अफ्रीका में क्या होता था ना, रेसिज्म बहुत होता था। रेसिज्म मतलब कि काले और गोरे में फर्क होता था, ठीक है। अब उस रेसिज्म को हटाने के लिए बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए, बहुत सारे स्ट्रगल देखना पड़ा। जैसे कि हमको ब्रिटिशर्स से आजादी के लिए स्ट्रगल देखना पड़ा, वैसे ही साउथ अफ्रीका जो था वो व्हाइट्स का गुलाम बन चुका था, यानी व्हाइट्स उनको बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करते थे, ठीक है। अपने आप को सुप्रीम मानते थे, सेपरेट बसेस रहते थे व्हाइट्स और ब्लैक्स के लिए। ब्लैक्स को अगर स्कूल में भी पार्शियलिटी होती थी, ब्लैक्स को जमीन पे बैठाया जाता था, व्हाइट्स को ऊपर बैठाया जाता था। इवन बसेस की सीट्स में भी आगे व्हाइट्स बैठेंगे एंड अगर सीट बची तो ही ब्लैक्स बैठेंगे। सेपरेट पब्लिक वॉशरूम्स होते थे, रेस्टरूम्स होते थे। तो ये सब हमको डिफरेंसेस देखने को वहां पे मिलता था ड्यू टू रेसिज्म, एंड रेसिज्म वॉज इन द पीक एट दैट टाइम, ठीक है। इवन अभी भी अगर आप देखोगे तो रेसिज्म पूरी तरीके से वेस्ट से खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे भी अगर इंडियंस भी अफ्रीकन का, तो फिर भी स्किन टोन डार्क, थोड़ा ज्यादा डार्क होता है ड्यू टू एक्सेस मेलानिन प्रोडक्शन। बट अगर आप इंडियंस की भी बात करोगे, उन लोग अगर रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पे वीडियो भी वायरल हुआ था कि कैसे एक लेडी कनाडा में खुलेआम इंडियंस को रेसिज्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रही थी, ठीक है। तो अभी भी रेसिज्म लोगों को फेस करना पड़ता है। सो नेल्सन मंडेला इसका एक प्रोमिनेंट रोल थे, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने अपने लाइफ के बहुत ईयर्स साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंस को दिए, एंड इस मूवमेंट को जो रेसिज्म के खिलाफ जो रेसिज्म होता है उसको नाम दिया गया क्या, अपार्थाइड, ठीक है। सो अपार्थाइड क्या होता था? द डिस्क्रिमिनेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है। उसे हम क्या कहते थे, अपार्थाइड कहते थे। इवन नेल्सन मंडेला को नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 28 साल जेल में बिताने पड़े थे, उसके बाद कहीं जाके साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिली थी एंड साउथ अफ्रीका बिकेम रिपब्लिक। व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक? रिपब्लिक मतलब कि जब हम वोट देके अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं तो हम रिपब्लिक कहलाते हैं, जब हम खुद के मालिक खुद हो, ठीक है। तब जाके साउथ अफ्रीका का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया एंड साउथ अफ्रीका का वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि बहुत अच्छा है साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इवन बहुत सारी जगहों पे रिसर्च करके साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। अब आते हैं हम इंडिया में। इंडिया में जब देश आजाद हो रहा था, उससे पहले ही जब 1930s की अगर मैं बात करूं, मोस्टली 1928 में, तो मोतीलाल नेहरू ने अपने कांग्रेस लीडर के साथ मिलके एक पार्शियल इमेज तैयार कर ली थी, यानी कि एक पार्शियल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया था इंडिया के लिए, ठीक है। कि भाई अगर इंडिया हमारा देश आजाद होता है तो ये रूल, ये बेसिक रूल है, ये तो होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसके हेड कौन थे, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने SC/ST रिजर्वेशन कोटा भी लाया था, ठीक है। तो जैसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनने का समय, इंडिपेंडेंस हुई, तो सबसे पहला नीड क्या था कि भाई हमारे देश में
कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्री गवर्न नहीं हो सकती। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसमें करीबन 300 लोग थे, ठीक है, एंड उसके हेड कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। और ये हेड के दौरान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी कब हुआ था, हमारा देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, एंड उसे लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात, ठीक है। और महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू सभी लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे, और बड़े बड़े लॉयर्स एंड महात्मा गांधी खुद एक लॉयर थे, B.R. अंबेडकर वॉज द हेड। अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की बात करें तो उसके प्रीएम्बल में आपको देखने को मिलेगा कि उसमें लिखा रहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब इसका मतलब क्या होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बनाया गया है, इंडिया के लोगों के लिए। सॉवरेन मतलब क्या होता है, इंडिया अब फ्री है, इंडिया किसी भी देश का गुलाम नहीं है। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, जितनी भी वेल्थ इंडिया में जनरेट हो रही है वो इक्वली लोगों पे बटनी चाहिए, ठीक है, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए रिच और पुअर के बीच। सेकुलर मतलब क्या होता है, रिलीजन के बेसिस पे, इसीलिए इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइजेशन मिली है। तो सेकुलर मतलब क्या होता है कि रिलीजन के बेसिस पे आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। डेमोक्रेटिक यानी कि आप वोट देके अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करोगे। रिपब्लिक यानी कि मोनार्की के बेसिस पे, यानी कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, वोट देके हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे। जस्टिस यानी कि इंडिया के लोग चाहे अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी क्रीड का हो, सबको जस्टिस मिलने का अधिकार है। लिबर्टी मतलब कि छूट है इंडियंस को कि आप कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, अपने ओपिनियंस भी आप शेयर कर सकते हो, FIR भी कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। नेक्स्ट इज इक्वालिटी, सभी सिटीजन्स लॉ की नजर में इक्वल है, ठीक है। फ्रेटर्निटी मतलब एक इंसान को, लोगों को एक कंट्री में ब्रदरहुड मेंटेन करके रखना चाहिए, यानी कि भाईचारा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट मतलब होते हैं चेंजेस, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने हैं या नया बिल पास करना है तो उसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, बिना पार्लियामेंट के आप वो बिल पास नहीं कर सकते, ठीक है। ये था चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ओके, वन शॉट ऑफ चैप्टर नंबर 3 सिविक्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। सबसे पहले इलेक्शन होते क्या, इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम वोट देके अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं एक कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। इलेक्शन की नीड क्या क्या होती है, इलेक्शन की नीड हमें होती है कि भाई ताकि लोग अच्छे से एनालाइज कर पाए, अपने फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे पाए, एंड मोनार्की सिस्टम बेसिकली ना हो, ठीक है। और पीपल के पास ये भी राइट रहे कि कौन सी पार्टी को वो पावर में देखना चाहते हैं और कौन सी पार्टी को वो चाहते हैं कि वो उन्हें गाइड करे, ठीक है। अब कंडीशन क्या क्या है इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, सबसे पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन। भाई चीटिंग नहीं होनी चाहिए इलेक्शन में, आप कुछ वो राइट्स होते हैं ना लोगों को देने के, कि भाई कुछ रूल्स होते हैं आप जिसको तोड़ नहीं सकते, जैसे आप इलेक्शन के 45 दिन पहले आचार संहिता लग जाता है, ठीक है, आप लोगों को घूस नहीं दे सकते, आप लोगों को धमका नहीं सकते वोट देने के लिए, ठीक है, आप लोगों को पैसे नहीं दे सकते अपने आप को वोट देने के लिए, वो अलग बात है इंडिया में ये सब चीज होता है, लेकिन आप वो सब इल्लीगल है, आपको नहीं करना चाहिए। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए ताकि लोग दोनों पार्टी का, अपोनेंट पार्टी का भी और अपनी फेवरेट पार्टी का भी अब जैसे कि आप देखोगे तो आजकल लोग इलेक्शन में वोट पाने के लिए लोगों को पीने वीने का लालच देते हैं कि भाई तू मेरे को वोट दे दे मैं तेको पिलाऊंगा, तू मेरे को वोट दे दे मैं तेको चिकन खिलाऊंगा। और लोग अपना पैसा, लोग ऐसे भी ना इंडिया के
पैसा ले लेंगे लेकिन वोट दूसरे पार्टी को दे देंगे, फिर पैसा एक पार्टी से ले लेंगे और वोट दूसरे पार्टी को दे देंगे। लेकिन ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हर जगह फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, तभी वो इलेक्शन सही मायने में काम आता है। अब पॉलिटिकल कंपटीशन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं अगर आपके पास अभी आपके पास वोट देने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन व्हाट इफ अगर एक ही ऑप्शन रहे कि खाली आप बीजेपी को वोट दे सकते हो, तो आप दे पाओगे? तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तो वैसे में भी इलेक्शन पॉसिबल नहीं है या वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो एक प्रॉपर पॉलिटिकल कंपटीशन लोगों के बीच होना चाहिए, क्योंकि आप इलेक्शन समय देखे होंगे कि लोग एक दूसरे का गलतियां पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, बीजेपी वाले कांग्रेस की गलती बताएंगे, कांग्रेस वाली बीजेपी की गलती बताएंगे, उससे एक इंसान को, हम लोग को, आम जनता को क्लैरिटी मिलती है कि हमें किसे वोट देना है, ठीक है। अब इंडिया में इलेक्शन सिस्टम क्या होता है, लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन होता है इंडिया में, विधान और हर 5 साल में इलेक्शन होता है, ठीक है, जनरल इलेक्शन होता है और एक बाय इलेक्शन होता है, यानी कि जनरल इलेक्शन जो हर 5 साल में होता है, बाय इलेक्शन अगर फिलहाल कोई अगर चीफ मिनिस्टर है उसकी डेथ हो जाती है, वो रिजाइन कर देता है, तो जो मिड वे में जो इलेक्शन किया जाता है उसे हम बाय इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इतने बड़े एरिया में इलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, तो छोटे छोटे एरियाज में जब डिवाइड कर दिया जाता है इलेक्शन के दौरान, जैसे अगर हम कोरबा की बात करें तो पावर हाउस रोड को अलग डिवाइड कर दिया जाएगा, टीपी नगर को अलग डिवाइड कर दिया जाएगा, निहारिका को अलग डिवाइड कर दिया जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। अब हम चीफ मिनिस्टर को चूज नहीं करते, हम चूज करते हैं किसको, एमएलएस को, फिर वही एमएलएस आगे चल के चीफ मिनिस्टर को चूज करते हैं। जैसे कि हम प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को चूज नहीं करते, हम किसको चूज करते हैं, हम लोकसभा के मेंबर्स को चूज करते हैं, वही रिप्रेजेंटेटिव फिर आगे चल के आगे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चूज करते हैं, ठीक है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, जो एससी एससी ओबीसी के लिए जो आपकी सीट रिजर्व होती है, जो वुमेन के लिए सीट रिजर्व होती है, इलेक्शन में भी, वोटिंग में भी, पार्टी टिकट में भी, उसे हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। अब वोटर्स लिस्ट क्या होती है, भाई एक इलेक्शन के पहले लिस्ट निकाली जाती है कि कौन कौन एक कंट्री में या एक स्टेट में या एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एलिजिबल है वोट देने के लिए। जिसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बने, तो घर घर जाके पूछते भी हैं लोग किसका बना है किसका नहीं बना है। फिर आती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो भी एक देश में 18 साल से ऊपर है और वो इंडिया का सिटीजन है, उसके पास राइट है वोट देने का, ठीक है, ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग आजकल इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आपका जो वोटर आईडी होता है उसमें आपका फोटो रहना चाहिए ताकि आपका फेस आइडेंटिफाई हो पाए, इवन आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी आप जैसे आधार कार्ड में वेरीफाई के लिए लगते हैं ना, वैसे आपका वोटर आईडी में भी ये सब होना चाहिए। पहले लोग पेन पेपर से वोट देते थे, फिर बैलोट आया, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है कि कोई घपला आदमी कर ही नहीं सकता, इलेक्ट्रिकली आप वोट देते हो, ठीक है, एक बटन प्रेस करके, ठीक है। अब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट की मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए, कोई क्रिमिनल केस उस पर रनिंग नहीं होना चाहिए, इवन कोई लोन नहीं होना चाहिए, तभी आपको पार्टी टिकट मिलती है। अगर आपके ऊपर लोन हुआ तो आप कल को अगर आप जीत गए तो आप देश के पैसे से अपना लोन चुकाओगे, आप देश के लिए कुछ नहीं करोगे, तो इसीलिए आपके ऊपर कोई भी लोन नहीं होना चाहिए। आपके इवन एसेट्स को भी देखा जाता है कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है, तभी आपको पार्टी टिकट दी जाती है। आया समझ में? इवन एजुकेटेड भी होना चाहिए तभी आपको पार्टी, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, अनएजुकेटेड लोगों को तो पहले पार्टी टिकट मिलती है, ठीक है। इलेक्शन कैंपेन, यानी कि जो इलेक्शन के पहले जो कैंपेन निकलते हैं ना, लोग रैली वैली निकालते हैं कि हमें वोट दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, झूठे वादे करते हैं जो आप हमें वोट दो, हम ऐसा करेंगे वैसे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सब आता है इलेक्शन कैंडिडेट में। कोड ऑफ कंडक्ट, देखो इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि इलेक्शन के पहले 45 डेज पहले आचार संहिता लग जाता है, आपकी सारी गवर्नमेंट व्हीकल कॉन्फिसिकेट कर ली जाती है, इवन आप किसी को ब्राइब नहीं कर सकते, आपकी हर एक्टिविटी पे गवर्नमेंट यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नजर रहती है, आप अपने पावर्स का यूज भी नहीं कर सकते उस समय, ठीक है। तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट बताती है इलेक्शन कमीशन, सबसे पहले आप वोटर्स को ब्राइब नहीं कर सकते, रिश्वत नहीं दे सकते, डरा धमका नहीं सकते, ठीक है। दूसरा, कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे आप वोट नहीं ले सकते, ठीक है। आप गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा जो गाड़ियां मिली रहती है मंत्रियों को, वो सब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आप
25 लाख से ज्यादा लोकसभा इलेक्शन में खर्चा नहीं कर सकते प्रचार में, और 10 लाख से ज्यादा आप विधानसभा इलेक्शन में खर्चा नहीं कर सकते एमएलए इलेक्शन में। आया समझ में? ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट एक बताते हैं, ठीक है। आप प्लेस ऑफ वर्शिप में कैंपिंग नहीं कर सकते, यानी कि आप मंदिर में जाके धरना कर रहे हो, रैली कर रहे हो, मस्जिद में जाके कर रहे हो, चर्च में, ये सब जगह पे आप नहीं कर सकते। समझ आया? उसके बाद आता है इलेक्शन डे, ठीक है। पोलिंग बूथ आप जाते हो अपने नियर बाय, आप वोट देते हो, उसके बाद आपकी वोट की काउंटिंग होती है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपना रिजल्ट देती है, ठीक है, कि कौन जीता और कौन हारा। समझ आया? तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन 1 शॉर्ट।